पूरे पशु साम्राज्य में जिराफ को सबसे कम नींद की आवश्यकता होती है। जिराफ सबसे अजीब तरीके से सोने वालों में से एक है। शिशुओं के रूप में वे अपने पैरों को अपने नीचे छिपाकर लेट सकते हैं और अपने सिर को आराम दे सकते हैं उनकी दुम पर, एक आरामदायक तकिए की तरह। वयस्कों के रूप में वे शायद ही कभी इस तरह सोते हैं, और यदि वे सोते हैं तो यह केवल कुछ मिनटों के लिए होता है। वास्तव में जिराफ जंगल में एक समय में शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक सोते हैं। अक्सर अपनी स्थिति को संशोधित करते हैं ताकि वे अपने पिछले हिस्से पर आराम करने के लिए अपने सिर और गर्दन को चारों ओर झुकाकर खड़े रहें। वयस्क जिराफ रात में औसतन केवल 30 मिनट की नींद ले पाते हैं। यह सब यह सुनिश्चित करने का हिस्सा है कि वे शिकारियों से सुरक्षित हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों के बीच में लेटा हुआ एक बड़ा जानवर एक भूखे राहगीर के लिए बहुत आकर्षक है। शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग की आंख किसी भी पक्षी की तुलना में सबसे बड़ी होती है। उनकी आंखें लगभग 5 सेमी व्यास की होती हैं, जो एक पुल बॉल के आकार की होती हैं। यह उन्हें मानव आंख से 5 गुना बड़ा बनाता है। अपनी आंखों के आकार के कारण शुतुरमुर्ग की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। वे अपनी ऊंचाई और तेज आंखों के कारण लंबी दूरी तक देख सकते हैं। इससे उन्हें संभावित शिकारियों तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पहचान लेने की सुविधा मिल जाती है। दरियाई घोड़े अपना स्वयं का सनब्लॉक बनाते हैं। क्या आपने कभी हिप्पो की त्वचा को देखा है और ऐसा लगा जैसे उससे खून बह रहा हो? यह लाल तैलीय पदार्थ हिप्पो की त्वचा से स्रावित होता है और यूवी रक्षक के रूप में कार्य करता है। दरियाई घोड़ों की त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए जब वे अपना अधिकांश समय पानी में और सीधी धूप से दूर बिताते हैं, तो जब वे पानी से बाहर होते हैं तो यह लाल पदार्थ प्राकृतिक सनब्लॉक के रूप में कार्य करके उनकी त्वचा की रक्षा करता है। इम्पालास अपनी ऊंचाई से 3 गुना से भी अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। इम्पालास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वे जानवरों के साम्राज्य के हडेडा होते हैं, लेकिन ये प्यारे साथी जितना नजर आते हैं उससे कहीं अधिक उनके प्रति आकर्षित होते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक इम्पालास 3 मीटर तक छलांग लगा सकता है और सिर्फ एक छलांग में 10 मीटर की दूरी तय कर सकता है। यह अपेक्षाकृत छोटे जानवर के लिए काफी प्रभावशाली है। जब उन्हें शिकारियों से बचने की आवश्यकता होती है तो उनकी चपलता बाधाओं पर और उसके आसपास पैंतरेबाजी करना आसान बनाती है। पोरपाइन क्विल्स में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। पोरपाइन क्विल्स को एक मजबूत एंटीबायोटिक के साथ लेपित किया जाता है, जिसे कई जीवाणु उपभेदों के विकास को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए दिखाया गया है। यह बहुत विरोधाभासी लगता है, जैसे कि साही अपने शिकारियों को संक्रमण से बचा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उनके पंखों को संभवतः औषधीय रूप से तैयार किया जाता है। साही अक्सर गलती से खुद को चाकू मार सकते हैं। जैसे पेड़ों से गिरते समय शोध से पता चलता है कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक घटित होता है, इसलिए औषधीय कलम रखने से नुकसान को सीमित किया जा सकता है।